दोस्तों ये है बॉक्स यहाँ पर इन्फिनिक्स होट 8 का, जो कि बहुत ही दमदार स्मार्टफोन है, क्योंकि काफ़ी कम प्राइस में बहुत ही ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। अलोट एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखा गया, यानी कि बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए गए हैं प्राइस के हिसाब से। बॉक्स आप लोगों के सामने, नीचे आपको यहाँ पर फाइल वाला लोगो देखने को मिल जाएगा, गूगल फाइल वाला। साइड में आपको होट 8 यहाँ पर लिखा दिख जाएगा, और पीछे की तरफ यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो IMEI नंबर वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। साइड में दूसरी तरफ आप लोग देखोगे तो यहाँ पर भी होट 8 लिखा गया, और नीचे यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स का लोगो देखने को मिल जाएगा। पीछे की तरफ जो फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 5000 mAh की बड़ी बैटरी आपको स्मार्टफोन में मिलेगी, और जो डिस्प्ले होने वाला है दोस्तों वो 6.52 इंच का एक HD+ डिस्प्ले मिलेगा, जो कि यहाँ पर 20:9 रेशो के साथ में आता है, और ड्रॉप नॉच यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। स्क्रीन टू जो बॉडी रेशो होने वाला है दोस्तों वो 90.3% होने वाला है। तो चलिए फिलहाल बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और बाकी जो फीचर्स हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बॉक्स हमने ओपन कर लिया है, और सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इन्फिनिक्स होट 8। जी हाँ दोस्तों, डिवाइस आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी कलरफुल फिल्म यहाँ पर जो है डिवाइस पर लगाई गई है, जहाँ पर जो फीचर्स हैं फ़ोन के, जो मेन फीचर्स हैं वो यहाँ पर जो है मेंशन किए हुए हैं। डायरेक्ट साउंड मोड वाला फीचर आपको मिलेगा, AAA कैमरा सेटअप और गूगल फाइल का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। रियर पैनल कुछ इस तरह से दिखता है। तो फिलहाल के लिए तो फ़ोन को साइड में रखते हैं, और यहाँ पर हम बात करते हैं बाकी बॉक्स कंटेंट की। तो यहाँ पर मिलता है आपको एक पावर अडेप्टर, और इस पावर अडेप्टर की जो आउटपुट है दोस्तों वो 5V 2 Ampere है, यानी कि 10W वाला चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। फिर आपको एक माइक्रो USB केबल देखने को मिल जाती है, कुछ इस तरह की ही आती है, और उसके बाद आपको यहाँ पर एक सिम इजेक्टर पिन मिल जाती है, और फिर आपको कुछ पेपर वर्क यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें आपका यूज़र मैनुअल वारंटी कार्ड शामिल है, और ये गूगल फाइल वाला जो है यहाँ पर ये कार्ड आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको यूज़र मैनुअल मिलता है, और फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों ये TPU केस, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी यूनिक ये यहाँ पर कवर दिया गया है। और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा बॉक्स के अंदर दोस्तों ये एक स्क्रीन प्रोटेक्टर। जी हाँ दोस्तों, आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर यहाँ पर मिलने वाला है, और इसे आप अप्लाई करके आपकी स्क्रीन को जो है सेफ रख सकते हैं। तो चलिए फिर से हम फ़ोन पर आते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था, काफ़ी कलरफुल फिल्म यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर जो फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इसे हम निकाल देते हैं, और पीछे की तरफ भी एक स्ट्रिप यहाँ पर लगाई गई है, तो उसे भी मैं फ़िलहाल निकाल देता हूँ, और फिर हम यहाँ पर फ़ोन का ओवरव्यू लेते हैं। तो देखिए काफ़ी कमाल का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी रियर पैनल पर। तो ग्लास यूनिबॉडी डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है पीछे की तरफ। जबकि बात करें फ़ोन के ओवरव्यू की, तो ऊपर की तरफ दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई भी पोर्ट वगैरह यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। जबकि राइट हैंड साइड पर आप लोगों को यहाँ पर जो पावर बटन है और जो वॉल्यूम कीज़ है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और बात करें दोस्तों बॉटम की, तो बॉटम में आपको सबसे पहले जो 3.5 mm वाला ऑडियो जैक है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसके बाद आपका जो प्राइमरी माइक है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, फिर आपको माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, और जो स्पीकर्स हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर आपको सिम ट्रे यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की सिम ट्रे आपको मिलती है। तो आपको ट्रिपल स्लॉट वाली सिम ट्रे मिलती है, आप अपना SD कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं और डुअल सिम भी यूज़ कर सकते हैं। और एक्सपेंडेबल स्टोरेज की बात करें तो आप 256 GB तक का SD कार्ड यहाँ पर लगा सकते हैं। रियर पैनल आप लोग देख सकते हैं, इन्फिनिक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे होट यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, और फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर आपको मिल जाता है, और AAA कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलता है, साथ में LED फ्लैश लाइट भी मिल जाती है। जो मेन सेंसर है दोस्तों वो यहाँ पर 13 MP का होने वाला है, और उसका जो अपर्चर है दोस्तों वो f1.8 होने वाला है। सेकंड जो सेंसर होने वाला है दोस्तों वो यहाँ पर 2 MP का होने वाला है, जो कि एक डेप्थ सेंसर होगा, और जो थर्ड सेंसर होगा दोस्तों वो एक लो लाइट सेंसर होने वाला है, यानी कि लो लाइट इमेज भी आपकी काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर आने वाली है। दोस्तों फ्रंट पैनल की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है एक ड्रॉप नॉच। जी हाँ दोस्तों, ड्रॉप नॉच डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिल जाती है, और उसके ऊपर जो स्पीकर है वो यहां पर प्रोवाइड किया गया है कॉलिंग के लिए। तो फिलहाल हम फोन को ऑन करते हैं, और उसके बाद सेटअप मैं यहां पर कंप्लीट करता हूं। दोस्तों सेटअप हमारा यहां पर बिल्कुल कंप्लीट हो गया, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस यहां पर आपको मिल जाता है, और कुछ एक ऐप्स यहां पर प्री इंस्टॉल दिए गए, फेसबुक व्हाट्सएप ऐसे कुछ ऐप्स यहां पर आपको मिल जाते हैं फ्लिपकार्ट वाले। अगर आप चाहें तो इन्हें जो है रिमूव कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं।
तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐप्स की बात की जाए तो XOS फैमिली के अंदर आपको जो है थीम का सपोर्ट भी मिल जाता है, आप कोई भी थीम यहाँ से जो है डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे थीम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद वॉलपेपर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और बात की जाए यहाँ पर यो पार्टी ऐप की, तो दोस्तों इस ऐप के ज़रिए आप अपने किसी भी म्यूज़िक को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, और उन सभी के स्मार्टफोन पर एक साथ एक ही म्यूज़िक आप लोग प्ले कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर यहाँ पर आपको मिल जाता है। आपको ऐप ड्रॉअर वाला फीचर भी यहाँ पर आपको मिलेगा, तो कुछ इस तरह का ऐप ड्रॉअर यहाँ पर आपको मिल जाता है। बात करें दोस्तों नोटिफिकेशन पैनल की, तो कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन पैनल आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको ये कुछ ऐप्स के शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। और उसके बाद इस तरफ भी आप लोग देख सकते हैं, आपको बाइक मोड यहाँ पर मिल जाता है, और डेटा सेवर वाला फीचर मिल जाता है, और साइलेंट स्क्रीन रिकॉर्डिंग यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला फीचर भी मिल जाता है, रीड मोड यानी कि रीडिंग मोड आपको मिल जाता है, जिससे आपकी आंखों पर जो है काफ़ी कम यहाँ पर जो है जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ पर पड़ेगा। क्योंकि स्मार्टफोन अगर आप यूज़ करते हैं नाइट के अंदर और कुछ ज़्यादा ही रीडिंग करते हैं, तो ये फ़ीचर आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का होने वाला है। बात करें दोस्तों सेटिंग्स की, तो चलिए सेटिंग सेक्शन के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी, और यहाँ पर आपको मिलता है स्टोरेज ऑप्शन। स्टोरेज ऑप्शन के अंदर अगर हम जाते हैं तो 4 GB की रैम मिलती है, जिसमें से जो फिलहाल अवेलेबल है वो आप लोग देख सकते हैं, 2.15 GB यहाँ पर जो है अवेलेबल है। इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो आपको जो है 64 GB यहाँ पर स्टोरेज मिलता है, और उसमें से आपको 53.50 GB जो है फ्री मिल जाता है। उनके अबाउट सेक्शन की बात करें तो नीचे आपको सिस्टम वाला जो है ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले जो है XOS यहाँ पर दिख जाता है। चीता वर्जन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5.0.2 यहाँ पर वर्जन मिलता है। 4 GB की रैम स्मार्टफोन में आपको दी गई, 64 GB का इंटरनल स्टोरेज, 8 MP का आपको फ्रंट कैमरा मिलता है, और पर जो रियर कैमरा होने वाला है वो ट्रिपल कैमरा सेटअप होने वाला है। मेन सेंसर आपका 13 MP का होगा। 2.0 GHz का यहाँ पर आपको जो है ऑक्टाकोर चिपसेट दिया गया है। 5000 mAh की बड़ी बैटरी आपको स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है, और HD+ रिजोल्यूशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में एंड्रॉयड पी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो डिवाइस नेम है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इन्फिनिक्स होट 8 मॉडल नंबर यहाँ पर आपको दिया गया है, एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पर आपको दिख जाएगा, और उसके बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये तो हुई बात दोस्तों सेटिंग्स की, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कैमरा की। तो कैमरा ऐप फिलहाल मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो कैमरा ऐप का इंटरफेस आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा। तो फ्लैश लाइट वाला ऑप्शन मिलता है, सेटिंग वाला ऑप्शन आपको मिलता है, HDR का सपोर्ट मिलता है, उसके बाद रिजोल्यूशन आप सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो फुल स्क्रीन वाला रिजोल्यूशन है वो सेट कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है कुछ एक जो है इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, तो वो इफ़ेक्ट्स यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको AR स्टिकर्स भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, तो कुछ इस तरह के AR स्टिकर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो फीचर है वो है पैनोरामा, तो आप पैनोरामा शॉट भी यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। बात करें दोस्तों फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरे में आपको देखिए यहाँ पर वाइड सेल्फी वाला फीचर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपको वाइड सेल्फी वाला फीचर मिलता है। AR शॉट यहाँ पर भी आपको मिल जाता है, तो कुछ इस तरह से आप जो है यहाँ पर जो AR शॉट है वो कैप्चर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप जो है AR शॉट कैप्चर कर सकते हैं। तो बहुत सारे AR स्टिकर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट जो है सेल्फी का फीचर मिलता है, आप जो है पोर्ट्रेट सेल्फी यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। तो और यहाँ पर लाइट काफ़ी कम है, तो अभी कुछ इमेज मैं कैप्चर करूँगा, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। फिर आपको ब्यूटी फिल्टर्स यहाँ पर यानी कि ब्यूटी मोड वाला फीचर मिलता है, AI कैमरा यहाँ पर आपको मिलता है, और वीडियो का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो फ्रंट कैमरे में भी दोस्तों आप जो है फुल HD वीडियो यहाँ पर जो है शूट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है कि फ्रंट कैमरे में भी आपको जो है फुल HD वीडियो का सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है। तो चलिए मैं कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, और उसके बाद दिखाता हूँ कि किस तरह का जो है कैमरा यहाँ पर देखने को मिलता है इन्फिनिक्स होट 8 में। तो पहला जो फोटो देख रहे हैं वो लो लाइट में लिया गया है, लेकिन यहाँ पर कलर्स आपको काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, और डिटेल भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। ये भी लो लाइट का है, और यहाँ पर भी जो डिटेल्स हैं वो काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। यहाँ पर लो लाइट में आप कलर्स देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। और आउटडोर का फोटो ये फिलहाल आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये फोटो यहाँ पर आ रहा है। और ये है यहाँ पर सेल्फी कैमरा इंडोर में बिना किसी इफेक्ट के, और ये यहाँ पर जो है ब्यूटी मोड के साथ में लिया गया है। और थर्ड जो फोटो है ये यहाँ पर लिया गया दोस्तों बूके इफेक्ट के साथ में, और आउटडोर सेल्फी आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह की आउटडोर सेल्फी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यानी कि काफ़ी कमाल का कैमरा आपको मिलेगा इन्फिनिक्स होट 8 में, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्टफोन इन्फिनिक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। और मेरे हिसाब से तो यार किसी भी कंपनी ने अभी तक कोई भी ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया है जो आपको 6999 रुपये में 4 GB की रैम दे,
64 GB का इंटरनल स्टोरेज और काफ़ी अच्छा प्रोसेसर आपको मिल रहा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कैमरा और काफ़ी बड़ी बैटरी। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त स्मार्टफोन यहाँ पर इन्फिनिक्स के द्वारा लॉन्च किया गया। वैसे आप लोग बताना कि इन्फिनिक्स का ये स्मार्टफोन आपको 6999 रुपये में कैसा लगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से 6999 रुपये में इन्फिनिक्स होट 8 अब तक का बेस्ट स्मार्टफोन आप लोगों के लिए होने वाला है। और दोस्तों ये स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, इसकी जो कीमत है वो केवल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 6999 रुपये है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।